तुम हो कौन शिवा? कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की। कुछ चल रहा है इस दुनिया में ईशा, कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। अब खेल शुरू। क्या ब्रह्मास्त्र से एक और गाने का टीजर हुआ रिलीज? क्या ये गाना भी मचाएगा तहलका? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। दोस्तों, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जिसको देखने के लिए फैंस बेकरार हैं। इस फिल्म का ट्रेलर और दो गाने रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें फैंस का तगड़ा रिस्पांस मिला। अब ब्रह्मास्त्र से मेकर्स ने एक और नए गाने का टीजर शेयर किया है। गाने का नाम है डांस का भूत। आपको बता दें, कुछ टाइम पहले ही ब्रह्मास्त्र के नए गाने डांस का भूत का एक वीडियो भी शेयर किया गया था और इस बात की जानकारी अयान मुखर्जी ने इंस्टा हैंडल से दी थी। अब फाइनली टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें कि रणबीर नाचते झूमते हुए नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें कि इस गाने में आपको काफी कुछ दिखेगा, जिस तरह से रंग मेला, रावण, रंगीली शाम, सब कुछ दिखाया गया है। काफी अट्रैक्टिव ये सॉन्ग लग रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जिसको करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के तले बनाया गया है। रणबीर और आलिया के अलावा फिल्म में है अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, नागार्जुन। ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी है, जो 3D फॉर्मेट में रिलीज की जाएगी। पहला पार्ट यानी कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 9 सितंबर 2022 को रिलीज होने जा रहा है। हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में इसे रिलीज किया जा रहा है। लेकिन रिलीज से पहले इसे बॉयकॉट करने की भी बातें की जा रही है। इसके पीछे कई रीजंस लोग दे रहे हैं, जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने अपने शो में एक लेडी को कह दिया था घूंघट क्यों पहना हुआ है, तो लोगों ने इस तरह से ट्रोल किया और कहा कि घूंघट के लिए बोला लेकिन हिजाब के लिए कभी कुछ नहीं बोला। इसके अलावा पीके में जिस तरह से रणबीर कपूर के गालों में भगवान के स्टिकर्स नजर आए, उस वजह से भी कहा जा रहा है कि रणबीर ने हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया है, इसीलिए इसे बॉयकॉट करें। वहीं ट्रेलर में जूते पहनकर रणबीर मंदिर पहुंच गए, जिस वजह से उन्हें ट्रोल किया गया। अब देखना होगा कि इस बॉयकॉट के टाइम पे क्या ब्रह्मास्त्र को भी बॉयकॉट कर दिया जाएगा और 9 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। आपको इस बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।